चलो जी, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, हरित क्रांति के बारे में। किसके बारे में? तो आज हम लोग उसको खत्म कर रहे हैं और इसमें हम लोग देखने वाले हैं उद्देश्य क्या थे। पहला उद्देश्य था तुरंत इसका हमको रिजल्ट चाहिए था। रिजल्ट क्यों चाहिए था? क्योंकि भारत में उस समय भूखमरी थी। क्या थे? मुर्दो। अब जो 65-66 का दरमियान था, ठीक है, इस समय आपका योजना अवकाश चल रहा है। कौन सा योजना अवकाश चल रहा है? योजना अवकाश, पता है कि नहीं पता रे? ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार के पास कोई उद्देश्य नहीं था कि अब करें क्या, तो उसने योजना अवकाश लिया था। ठीक है, जब हम पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो इस तहत हम देखते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भुखमरी की समस्या बहुत तेजी से थी, तो उसके लिए हमको ग्रीन रेवोल्यूशन लाना जरूरी था। पता तो था कि ग्रीन रेवोल्यूशन है, लेकिन भारत में आया था, और 1966 में फाइनली इसको लाया गया। कौन सा रेवोल्यूशन भैया? ये वाला। चीजें क्लियर है? अब इसका फायदा क्या हुआ? सबको पता है, फायदा ये हुआ कि कम समय में हमको अच्छे उत्पादन मिले, और उससे किसकी समस्या को निपटा गया? भुखमर। इस सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसकी प्रजा भूख से ना मरे, भूख से ना मरे। और हमारे भारत देश में 90% लोग ऐसे हैं जिसके पास खाने का संसाधन तो है, ठीक है, लेकिन 10% ऐसे भी लोग हैं जो भुखमरी से क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। 10% लोग भूख से मर रहे हैं और 90% लोग के पास खाने का क्या है? संसाधन है। सोचो 10% भी बहुत होता है जी, 100 में से 10 लोग मर रहे हैं, समझिए, ऐसा समझिए। और उन 90 लोगों में से 20 लोग ऐसे हैं जो मुर्दे लोग खाने को फेंक फेंक के खा रहे हैं, और 70% लोग हम जो बच जाते हैं वो मिडिल क्लास में आते हैं। किसमें आते हैं? जिन लोग खाने को बचा बचा खाते हैं। कैसे खाते हैं? बचाते हैं, लेकिन शादी में उर्रा दुर्रा खाते हैं। फिर उसके बाद दीर्घ अवधि के लिए, अब दीर्घ अवधि में क्या हुआ? अगर ये लंबे समय तक चलेगा तो हमारे गांव का विकास होगा। किसका विकास होगा? गांव का विकास। औद्योगिक विकास होगा। किसका विकास होगा जी? औद्योगिक विकास होगा। कृषि में आधुनिकीकरण आएगी, बुनियादी ढांचे का विकास होगा, और कच्चे माल की आपूर्ति होगी। कृषि से जुड़ा हुआ, देखिए अब यहाँ पास ये सब कॉमन चीज है, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, कृषि का आधुनिकीकरण, बुनियादी विकास, ये चीज समझिए, ये समझ में आ जाएगा तो ये सब उससे जुड़ जाएंगे। कच्चे माल की आपूर्ति, कौन से माल की आपूर्ति? कच्चे। हम अपने गांव, हमने हम अपने देश में गेहूं तक भी मंगाया करते थे। क्या मंगाते थे? गेहूं। कपड़ा तो बहुत उसकी बात है, ठीक है, कपड़ा भी बाहर से आता था, पहनने का जो कपड़ा भी कहां से आता था? बाहर से आता था। अब कच्चे माल की जब आपूर्ति होगी तो खेती करेंगे तो इंसान कॉटन यही उगा रहा है, कॉटन यही उगा रहा है, तो यही उसका औद्योगिकरण हो रहा है। क्या हो रहा है मुर्दो? औद्योगिकरण हो रहा है। जब उद्योग लग रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, मशीनीकरण आ रहा है, कौन सा करना है आपका? मशीनीकरण आ रहा है, सब चीज यही मिल जा रहा है, तो आपको किसी दूसरे देश पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे बोलेंगे हम कच्चे माल की आपूर्ति, हर चीज यही मिल रहा है। अब एक आदमी कोई बिजनेस करना चाहता है उसको हर चीज यही मिल जाएगा, कहीं और उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। समोसा बनाना है, हर चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आलू यही मिल जाएगा, तेल यही मिल जाएगा, और क्या लाते हैं, मैदा यही मिल जाएगा। कहीं और जाने की आवश्यकता है क्या कि विदेश से मंगाने की आवश्यकता है? मोमोज बना रहे मुर्दे लोग, नेपाल के लोग यहाँ आ रहे हैं तो नेपाल से थोड़े मोमोज को लाते होंगे, नेपाल से लाते हैं क्या? सब उनको यही मिल जा रहा है, रॉ मटेरियल सब यही मिल जा रहा है, ठीक है। अब ये बात अलग है कि लिख देते हैं काठमांडू मोमोज तो लोग वहीं जाके खाना पसंद करते हैं, कोई गलती से बिलासपुर मोमोज लिख देगा तो कोई पसंद नहीं करेगा। ये बिजनेस की क्या कहते हैं, एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, जो जहां का रहता है वहां का वो पसंद नहीं करता है। बिलासपुर के लोग बिलासपुर पसंद करेंगे ही नहीं, और वही तुम चाय दुकान खोल लो, दिल्ली का चाय इतना बस लिख दो, तुम खुद ही छत्तीसगढ़ी हो, तुम पैदा भी छत्तीसगढ़ी हुए हो, तुम दिल्ली आज तक गए नहीं हो, और लिख क्या दिए हो चाय का दुकान का नाम? दिल्ली का चाय, मात्र 5 रुपए में। फिर देखना, अरे दिल्ली का चाय, तुम उसको थोड़े पता है कि तुम यही छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में जूना बिलासपुर पैदा हुए, ऐसे थोड़े फिर जानता है, ठीक। तो ये है स्ट्रेटेजी। जिससे हम लोग बात करते हैं रोजगार के बारे में, किसके बारे में? रोजगार। आप यकीन नहीं करेंगे, भारत देश के लोग विदेश तक जाया करते थे काम की तलाश। भारत के लोग कहां जा रहे हैं? विदेश जा रहे हैं। अब तुमको तुम्हारे घर में रोजगार मिल जाएगा, तुमको बाहर जाने की आवश्यकता है क्या? कौन अपने घर को छोड़ना चाहता है यार? तो कृषि और टेक्नोलॉजी जो क्षेत्र थे ना, प्रौद्योगिक औद्योगिक जो था, इंडस्ट्री जो था, इन क्षेत्रों में यहाँ की जो श्रमिकों को तुरंत रोजगार मिल गया,
वही की वही खेती हो रही है, वही उस फसल को बेचा जा रहा है, तो उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हुई। वैज्ञानिक अध्ययन ये आपका एक ऐसा चीज है जो पूरी तरीके से हरित क्रांति को डिफाइन करेगा। मुर्दे लोग खोज किए ना, ऐसे पौधे को उगाना जो बीमारी और कठोर मौसम के लिए प्रतिरोध, ठीक है, मतलब जिसको बीमारी कम पड़े और कठोर से कठोर मौसम भी आ जाए तो उनको कोई दिक्कत ना हो, ये उनके लिए चुनौती था। किनके लिए? वैज्ञानिकों के लिए। और मैंने आपको कल बताया था कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने यही चीज किया था, गेहूं की ऐसी प्रजाति की खोज की थी जो साइज में बौना था, ठीक है, छोटा था, बड़े बड़े उसके पत्ते हुआ करते थे, स्टेम उसका मोटा था, वो झुक नहीं पा रहा है, पेड़ जैसे टाइप का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाइप का रहा, ठीक है, तो उसको झुकने में भी झुक भी नहीं पा रहा है और ज्यादा ऊंचाई में भी नहीं है, ठीक है, फल ज्यादा लग रहे हैं, फल कैसे लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जल्दी पक रहा है, क्या हो रहा है वो जल्दी पक रहा है, इसीलिए उसको विश्व के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व, ठीक, क्या कितना भगवान रहा होगा वो आदमी किसानों के लिए। ये बात अलग है, किसानों को पता नहीं कि वो कौन था, ये बात अलग है कि वो किसानों को पता ही नहीं कि वो कौन है, लेकिन उसको 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था मुर्दो? इस क्षेत्र में, ठीक है, ऐसा ऐसा चीजें हैं। और नोबेल पुरस्कार मतलब समझ में आ रहा ना, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के बारे में। हरित क्रांति के आने से हमारे देश में क्या हुआ, ये विश्व में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ जी। ठीक, टेक्नोलॉजी कैसे, आज वर्तमान में देखिए, अब मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, 1950 में ना पूरे भारत देश में एक ट्रैक्टर नहीं था, तब की बात हो रही 1900, पूरे भारत देश में एक ट्रैक्टर नहीं था। अब आज सोचो, शायद ही कोई गांव होगा जहां ट्रैक्टर ना हो। और हमारे खुद का छत्तीसगढ़ जो राज्य है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वें नंबर पे है पूरे भारत देश में, जहां 20,000 से ज्यादा गांव है, मैं क्या बोल रहा हूं, हर गांव में एक ट्रैक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा सोचो। अरे हमारा गांव मुश्किल से 70 घर है, ग्राम पंचायत भी नहीं है, 400-500 जनसंख्या है, 8-10 ट्रैक्टर हमारे गांव में है। तो इस उद्देश्य से मैं कहता हूं कि हर गरीब से गरीब गांव में एक ट्रैक्टर होगा। और थ्रेसर हार्वेस्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ट्रैक्टर की बात कर रहा हूं। तो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, अब दुनिया भर की मशीन आ चुकी है, लुआई वाला अलग है, मिसाई वाला अलग है, ये है वो है, दुनिया है कि नहीं है, ठीक है। ड्रोन से मुर्दे लोग क्या कहते हैं, कीटनाशक की सिंचाई कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को देखो, अब इंसान थोड़े सिंचाई कर रहा है, ड्रोन से सिंचाई करवा रहा है, ठीक। कीटनाशक जो होते हैं ना, ठीक है, पेस्टिसाइड, उसको इंसान जब वो छिड़कता था तो उसका प्रभाव इंसान को भी पड़ता था, तो गमछा उमछा बांध के वो पूरा क्या कहते हैं वो मारता था, स्प्रेयर वाला रे ऐसे ऐसे वाला, तो उसे कहीं ना कहीं इंसान को दिक्कत होता था, इसलिए अब ड्रोन से, सोचो इतना टेक्नोलॉजी हो कि ड्रोन से इंसान क्या कर रहा है, आपका सिंचाई करवा रहा है, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा कि रोबोट आएगा, तुम्हारे गांव में जाएगा, धान को बोएगा, धान को काटेगा, धान को लेकर आएगा, ये भी आएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो ये कौन सा हो गया, हम लोग उद्देश्य की बात की, किसके बात की, उद्देश्य की बात की। अब हम लोग बात करते हैं सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में। उत्पादन और उत्पादकता दो वर्ड है। आज तुम्हारा एक एकड़ खेत है और एक एकड़ में तुम कितना, तुम्हारे पास कितने एकड़ खेत है मुर्दो? एक एकड़ खेत, कितना बोरी तुम धान पहले उगाते थे? 20 बोरी। कितनी बोरी? 20 बोरी। अब हरित क्रांति के आने के बाद ये कितना बोरी हो गया? मैं इकट्ठा 40 नहीं ले दूंगा, ठीक है, 30 बोरी हो, क्या हो गया? तो धान का उत्पादन जो हुआ उसमें बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं? खेत तो वही है, एकड़ तो एक ही है ना, और उस एक एकड़ में उत्पादकता ज्यादा हुई कि नहीं हुई? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अब ये तो एक समय की बात है, पहले क्या था, तुम केवल धान उगा रहे थे, जून जुलाई में उसको उगाते थे और फरवरी में करता था, पूरा सारा साल ले लिया, लिया कि नहीं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 8 से कितने माह? अब तुम क्या कर रहे हो, जून में उगा रहे हो, अक्टूबर में उसको काट रहे हो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने, कितने महीने? जस्ट आधा हुआ अवधि। अब इंसान जहां पहले एक फसल लेता था, अब उसी में वो कितना फसल ले रहा है, कितना फसल ले रहा है जी? एक फसल।
तो खाद्यान्न के उत्पादन और उत्पादकता में क्या हुई, ये फसल के लिए भूमि के लिए बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, खाद्य सुरक्षा, कौन सुरक्षा, पहले खाद्य की कमी थी तो उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे यार। अब देखो गोदाम में देखो इतना, अब कल को अगर 2 साल भी पानी नहीं गिरेगा तो सरकार के पास इतना धान है कि वो तुमको फ्री में भी देगा तो तुम उस सरकार का धान खत्म नहीं होगा। देखना कई जगह ऐसे भी होते हैं मुर्दे लोग धान को रखे रहते हैं, सड़ जाता है पानी में, इतना धान। ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है ना, जहां गेहूं उत्पादन हो तो वहां गेहूं सड़ रहा है, जहां मक्का उत्पादन हो मक्का सड़ रहा है। ठीक है, सरकार तो खरीद ली है और उसको रखने का जगह नहीं, रखे हैं खुले में, सड़ गया पूरा 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 एकदम कट्टी कट्टी रहता है ना, वो पूरा सड़ जाता है। कभी देखिएगा कहीं रोड किनारे जो मंडी रहती है दिख जाता है। तो अभी वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा कर रहे हैं, बाकायदा उसका मंडी बनाया है, मंडी को सेट से वो कर दिए हैं, उसको क्या करके रखे हैं, सुरक्षित करके रखे हैं। गरीबी उन्मूलन, ठीक है, पहले इंसान गरीबी क्या होती है जी, रोटी कपड़ा मकान ही गरीबी नहीं होती, मेन तो होता है आपका इंसान का स्वास्थ्य, क्या होता है स्वास्थ्य। ठीक है, इंसान को खाने के पास नहीं है, भूख में कुछ भी खा ले रहा है, बीमार हो जा रहा है, मर जा रहा है। ठीक है, अब उसके पास खाने का अच्छा चीज है, स्वस्थ है, और वो गरीब से थोड़ा उच्च स्तर में जा रहा है। ठीक है, अभी के डेट में जो गरीब वही है जो काम करना नहीं चाहता। मोदी अच्छा चीज बोलता है, तुम रोजगार की तलाश मत करो, तुम रोजगार दो, ये चीज उसको अच्छा लगता है मुझे ये चीज, तुम रोजगार की तलाश मत करो, तुम ऐसा बनो कि तुम रोजगार दे सको। ठीक है, और वो डायरेक्ट बोलता है कि कौशल विकास कीजिए, किसका विकास कीजिए, कितने लोग चाय बेच रहे हैं, कितने लोग यूट्यूबर बने हैं, यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, क्या उनके लिए बिजनेस नहीं है, क्या बिजनेस है भैया। और ये मैं बोल रहा हूँ कि पकौड़े ही बेचो भैया, तुम्हारी जो मर्जी यार, तुमको घूम फिर के किससे मतलब होनी चाहिए, किससे मतलब होनी चाहिए, ये उसमें देखना यूट्यूब टिकटॉक या यूट्यूबर में देखना, एक लड़की है उसका भयंकर सब्सक्राइबर है, औरत है, चटनी तक बनाएगी उसको भी यूट्यूब में डालेगी, टमाटर की चटनी कैसे बनाते हैं, ठीक है, रोटी कैसे बेलते हैं, ठीक है, टमाटर की चटनी बिना भूजे टमाटर की चटनी बनाइए, ठीक है, पूरा देखिए ऐसा टाइप लीव बस दो तुम्हारा बिना तेल के ऑमलेट कैसे बनाए, बिना तेल के ऑमलेट कैसे बनाए, और लोग उसको देखिए बिना तेल के ऑमलेट कैसे बनाएंगे यार, और उसको खोजे पड़े हैं। ठीक है, बिना क्या कहते हैं मिर्ची की सब्जी कैसे बनाए, ठीक है, ऐसे कुछ भी घर में तुम्हारी मिर्ची नहीं है, तुम्हारा दिमाग क्या करेगा यार, कुछ देखते हैं यूट्यूब में होगा, कुछ ना कुछ होगा, पहली बार मुर्गा बना रहे हो, फर्स्ट टाइम चिकन कैसे बनाते हैं, ऐसे कुछ भी बना के डाल रहे हो, रोज सभी बनाएगी, सुबह शाम 3 टाइम बनाएगी, तीनों को यूट्यूब में डाल देगी। ठीक है, अब उसके देखो एक दिन में 3 वीडियो डल रहे हैं, 30 दिन में कितने डल गए आपके, 90, चलो 50 भी डल गए, 50 डल गए, महीने भर में 50, 2 महीने में 100, ऐसे कर सकते हैं, साल भर में देखो कितना वीडियो डल गए, और उसे सब्सक्राइबर दे दो, जितने सब्सक्राइबर व्यूज जाएंगे उतना पैसा आएगा। मतलब छोटा सा एग्जाम्पल बताया हूँ, आज लोग ड्राइंग करते हैं उसको भी बता रहे हैं, लिख रहे हैं उसको भी बता रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं, टीचर पढ़ा कैसा रहा उसको भी टिप टाप मार दे रहा है, ठीक है, पढ़ाते कैसे हैं, कोई टीचर बीच में शायरी बोल रहा है उसको क्लिप करके डाल दे रहा है, ठीक है, शायरी कैसे बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीच, ठीक है, और हमसे ये सब चीज बनता नहीं है, धीरे धीरे सीखेंगे तो करेंगे। तो इनसे मतलब होना चाहिए, तो गरीबों का हुआ। खाद्यान्न के आयात में कभी जहां हम लोग गेहूं का आयात करवा रहे थे आज उसकी कमी हो गई है। ठीक है, बहुत सारी चीज का हम लोग क्या कहते थे वो, जैसे आज वर्तमान में हम लोग दाल की आयात करवाते हैं, किसी का आयात करवाते हैं मुर्दो दाल, और यही कारण है कि दाल हमारे यहाँ कितना महंगा, सोच राहुल दाल देखो कितना महंगा है, ठीक है, 170-180 रुपया है किलो, है कि नहीं है, ठीक, क्यों, क्योंकि वो बाहर से आ रहा है, और यही कारण है कि उसकी क्या है महंगाई ज्यादा है। ठीक है, अब मुर्दे को पता ही क्या है, दलहन का हम लोग फसल को उत्पादन ही नहीं करते, और दूसरा चीज तो यहाँ चौराहा बहुत लोग हैं, चौराहा बहुत है, बोल तो रहा हूँ जी, तुम अपने घर में क्या कहते हैं राह लगाना गांव में खेत में, तुमको 4 दिन बाद फसल पक जाए उसके बाद दिखाई देगा फसल गायब हो जाएगा, ठीक है, हाँ राहर को चोरी, तिमरा का चोरी होता है तो राहर का क्या है यार, नहीं होता है, और तिमरा भाजी तोड़े जा रहे हैं, तिमरा का फर तोड़े जा रहे हैं, तिमरा को पूरा पकने के बाद तिमरा मिसाई कर उसको चुरा ले रहे हैं, तो भैया तुम्हारे पास खेत है तो लगा रहे हो, उसके पास खेत नहीं तो काहे लगाएगी, चुरा लेगी उससे, अच्छा मांगने से देते तो काहे नहीं लेते, अब मांगने से तुम सब को नहीं दे सकते ना जी, ससुर समस्या तो ये है, मांगने से तुम उसको दोगी, अब वो मांगे तो फिर कैसे करोगी, मना थोड़ी कर पाओगी, और उसको दिए तो उसको भी देना पड़ेगा।
हाँ जी, ग्रामीण विकास हो गया, गांव का विकास हो गया, प्रौद्योगिक विकास हो गया, टेक्नोलॉजी विकास बता चुका हूँ, किसानों की आय और जीवन स्तर क्या हो गया उसमें बढ़ोतरी हो गई, भूमि रूपांतरण में कमी, इसको समझेंगे थोड़ा सा, भूमि रूपांतरण में क्या है आपका कमी, भूमि रूपांतरण क्या समझो, पहले क्या होता था इंसान खेती खेती करता था और झूम खेती करता था, क्या करता था मुर्दो झूम खेती, एक जंगल में जाकर पूरे जंगल को खत्म करता था फिर उसमें खेती करता था, फिर 4 साल खेती करने के बाद फिर वहां पेड़ लगाता था, फिर भाग के फिर जंगल को करता था, आज वो आज भूमि क्या हो गई स्थायी हो गई है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा ही नहीं पा रहा, जंगल को आरक्षित कर दिया गया है सरकार के द्वारा, क्या कर दिया गया है आरक्षित, तो जंगल को काट भी सकते है, काट सकते हो क्या तुम लोग, या पेड़ एक तो काट के लिया मुर्दो तुम्हारे पास खिलाफ कोई कोई बोल बस दे कि ये पेड़ काट के लिया है क्या, ठीक है, तो अभी क्या है भूमि क्या हो गई स्थानांतरित हो गई है, कृषि रोजगार मशीनीकरण का विकास, किसका विकास, और यही तो तुम्हारा हरित क्रांति है जी, कृषि रोजगार और मशीनीकरण का विकास, अब हमको समझना था किसके बारे में, सकारात्मक के बाद क्या जानेंगे हम लोग नकारात्मक, इसको अच्छे समझो क्योंकि इसका जो प्रभाव था समझ लेंगे, ये जो प्रभाव था नकारात्मक प्रभाव इसी को दूर करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति लाया गया, कौन सा हरित क्रांति लाया गया मुर्दो, कब कब 1966 के बाद डायर 2006 में उनको अनुभव हुआ अनुभूति हुई कि हम लोग कुछ ज्यादा ही अति हो गए हैं, अति समझ में आ रहा जी, ये लिखा है अति मतलब क्या है, जैसे कि पहला मिट्टी की उर्वरता में गिरावट, किसकी उर्वरता में गिरावट, अभी तक हम लोग एक फसल का उपयोग कर रहे थे तो मिट्टी को भी दिक्कत हो नहीं रहा था, अब दो फसल ले रहे हैं कुछ लालची लोग, 3 फसल ले रहे हैं मुर्दे लोग, तो इस तरीके से मिट्टी की उर्वरता में क्या हो गई गिरावट आ गई, चावल और गेहूं पर ज्यादा केंद्रित किया गया और उसमें भी सर्वाधिक फायदा किसको हुआ, किसको जी, अन्य जो फसल थे ज्वार जौ मक्का बाजरा बागवानी, बागवानी मतलब समझ आ रहा जी, फल फूल सब्जी, फल फूल सब्जी, इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और ये बताओ तुमको 3 टाइम केवल चावल और गेहूं दूंगा तो उसी में तुम्हारा पेट भर जाएगा, ना दलहन है ना दाल है ना सब्जी है, चावल खाओगे तुम लोग कैसे खाओगे, पानी में बोर के खाओगे, गर्मी में समझ में आ भी आता है कि इंसान खा भी लेगा, ठंडी में कैसे खाएगा, मर जाएगा सर्दी बुखार में नहीं हो जाएगा, तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया, यह एक नकारात्मक इसका क्या है प्रभाव था, भूजल संसाधन की कमी, ये मुर्दे लोग को पता चल गया कि बोर के नीचे बोर से पानी आ रहा है, किसे पानी आ रहा है, दुनिया भर का बोर सिस्टम लगा दिया है, जल जो जल स्तर था ना जमीन के अंदर वाला वो कम हो गया, वो क्या हो गया कम, और जल स्तर कम होगा तो दो चीज आपके सामने आएंगी, पहला चीज आसपास की नदी सूख जाएगी, कुआं सूख जाएगा, तालाब सूख जाएगा, क्योंकि तालाब नदी कुएं में पानी तब तक है जबकि उसके नीचे पानी, जब तक उसके नीचे में क्या है पानी, और दिया तभी जलेगा ना जब दिए में तेल है, बाती थोड़े जलता है मुर्दो, वो तो एक जरिया है, मेन तो तेल है ना, मेन क्या है तेल, और जमीन के अंदर के पानी को तुम सोख लिए और बोलो कि ऊपर पानी रहेगा पॉसिबल है क्या, तो ये सूखने से दूसरा कारण क्या हुआ, आसपास में सूखा पड़ गया, क्या पड़ गया जी सूखा, इंसान पेड़ लगा रहा है लेकिन पेड़ उग ही नहीं रहा है सूख जा रहा है, क्योंकि अंडर सोर्स पानी ही नहीं है, क्योंकि आपको मैं साइंस में पढ़ाऊंगा फ्यूचर में कि एक क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, किसी क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, और इसमें जो पेड़ होते हैं ना ये जड़ के माध्यम से जमीन के अंदर का पानी को क्या करते हैं अवशोषित करते हैं, क्या करते हैं जमीन के पानी, जब जमीन के अंदर पानी नहीं रहेगा तो अवशोषित किसे करेंगे, तो पेड़ क्या हो गए सूखने लगे, पेड़ क्या हो गए सूखने, और सूखने के बाद ये टूट गए, जिसका साल कभी 400-500 जिसका उम्र हुआ करता था वो पेड़ 150-200 साल में ही मर गए, पेड़ की उम्र 1000 साल रहती है, मैं एवरेज बता रहा हूं 1000 साल रहती है, पेड़ की उम्र कितनी रहती है 1000, अब आप खुद सोचिए आपके घर के आमने आमने सामने कई सारे पेड़ सूख के गिर गए होंगे, उसके पीछे कारण है उसके नीचे के पानी की कमी, ठीक है, अब पानी की बहुत विशेषता होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक अच्छा चीज बता रहा हूं, इस चीज को मैं जानता नहीं था वैसे, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारे घर का क्या है बाड़ी है, ये तुम्हारे चाचा के घर का बाड़ी है, जुड़ा हुआ है, पानी नीचे सबका सेम है,
ठीक है, तुम यहाँ बोर खुदवाए, तुम्हारे चाचा ने यहाँ बोर खुदवाया और यहां से जो पानी आया, यहां जो पानी आया, दोनों के पानी का टेस्ट अलग है। अब पानी पानी दोनों का क्या है, एक, और उसके पीछे कान है तुम्हारा, ये जो नली है, क्या जी ये नली। अरे उतना दूर की बात नहीं, मैं यहां एक गड्ढा खोद के पानी निकलवाऊंगा, उसके जस्ट बगल में 2 फुट के बाद गड्ढा खोद पानी निकालूंगा, दोनों के पानी में टेस्ट में अलग अलग भी था। नली में अंतर होती है जी, खोदने वाली और खोदने वाला मशीन और नली में जो जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक, खोदने का भी टेक्निक होता है, ठीक है। जैसा जैसा जैसे कुएं की बात करोगे, कुएं को तो हम तो कुएं को तो वही डायरेक्ट खोदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पास एक कुआं है, वहां पास एक कुआं है, दोनों को पानी का अलग अलग रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वहां पास क्या हो गया, वहां पास भी खोदने का टेक्निक हो गया। नदी कुएं के भी अलग अलग रहते हैं, प्रकार रहते हैं, कोई छोटा कुआं आता है, कोई बहुत बड़ा आता है, कोई इंदारा बड़ा रहता है, ठीक है, अलग अलग रहता है जगह जगह से। जैसे इंसान है, हम सब तो एक ही प्रजाति के हैं ना, लेकिन मैं बोलूंगा इनका सोच अलग है, इनका सोच अलग है, इनका सोच अलग है कि नहीं, जबकि शरीर में कोई अंतर ही नहीं है। तीनों सुखड़े सुखड़े बैठे हो, तीनों महिला हो, कोई अंतर तो है नहीं ना, तीनों वही खाते होगे कि कुछ अलग खाते होगे। चलो इधर देखो, क्षेत्रीय विषमता, इसको समझो, समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्षेत्रीय विषमता क्या थी, देखिए क्षेत्रीय विषमता में आपको समझना है, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इसका विस्तार केवल इन क्षेत्रों में हुआ, पंजाब, तो ये राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, पाकिस्तान का एरिया, केवल इन क्षेत्रों में इसका विस्तार क्या हुआ, ज्यादा हुआ। हम लोग जैसे जो राज्य छत्तीसगढ़ राज्य था, गरीब भूखा राज्य, ये पिछड़ा था, क्या तरह मुर्दो पिछड़ा। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना होगी तो उसका मेन उद्देश्य ये रहेगा भैया कि इसका विकास बहुत हो गया है, अब इधर का विकास करना है, अब किधर का विकास करना है, इधर का विकास करना है, ठीक है। तो ये कौन सी विषमता होगी आपकी, क्षेत्रीय विषमता। रसायन का अत्यधिक प्रयोग बताने की आवश्यकता नहीं है, और रसायन के अत्यधिक प्रयोग हुआ तो किसका किससे प्रभाव हुआ, स्वास्थ्य पर। हाँ, इसको समझिए, किसानों का ऋण जाल में फंसना, किसानों का ऋण जाल में क्या होना, फंसना। अब ये क्या चीज है सर, समझ में नहीं आ रहा है। पहला चीज तो ये समझिए कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत में 80% लोग जो किसान हैं, वो आपके छोटे और सीमांत कृषक है। सीमांत कृषक उन्हें कहते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर तक की भूमि है, मतलब कितना एकड़ आपका, 2.5 एकड़। और लघु कृषक उन्हें कहते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, मतलब 5 एकड़, कितना एकड़ मुर्दो, मतलब 80% जनसंख्या के पास 5 एकड़ की से कम क्या है, जमीन है। अब ये बताइए, मेरे पास 1 एकड़ खेत है, एग्जाम्पल के लिए मैं सरकार के पास गया, बैंक के पास, 1 लाख उधारी दे दो भैया, देंगे, बेस देखेंगे ना, खेत देखेंगे ना कितना है, तो 1 एकड़ खेत में आपको ज्यादा ज्यादा ऋण नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अरे आपको संपत्ति देखते हैं सर, बैंक वाला भी आपको क्या देखता है, भैया इसके पास 2 एकड़ खेत है तो इतना पैसा मिलेगा, इसके पास 20 एकड़ खेत है मतलब इतना पैसा दे सकते हैं, इसके पास ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, ये है वो है, तो उसके बिहार में पैसा ले सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा। छोटे खेत है, छोटी किसानी है, कृषि ऋण मिलता ही था, तो अब हम लोग जाएंगे किसके पास, बैंक तो दिया नहीं, हम लोग जाएंगे साहूकारों के पास, किसके पास, अब साहूकार मतलब यह है, तुम अपना मत समझना साहूकार, साहूकार मतलब जो पैसा ब्याज में दे रहे हैं, जो पैसा किसको दे रहे हैं, ब्याज में दे रहे हैं। अब ब्याज अपने तरफ पर मनमाना ब्याज जोड़ते हैं ना इन लोग, 3% में लेना है तो ले, मैं कम बोल रहा हूं, 3% समझ में आ रहा जी, महीने का 3%, तो मतलब तुम 10,000 लिए हो तो महीने का 3% उसका जोड़ा 10,000 का, और सालाना का फिर कितना होगा, फिर मैं एग्जाम्पल केवल 10,000 का लिया हूँ, और कोई इंसान 10,000 थोड़ी लेगा, लेगा 50,000, 1 लाख ऐसे लेगा, छोटा मोटा तो ऐसे गांव में मिल जाता है, जो समिति होते नहीं है उन लोग 10-5 हजार दे देते हैं, लेकिन जब 50,000 की बात होती है तो बड़े बड़े सेठ साहूकार के पास जाना पड़ता है, ठीक है। अब इससे इन्होंने इन लोगों ने क्या ले लिया, ऋण ले लिया, और इन्होंने बोला कि जब धान आएगा मेरे पास तो उसको बेच के तुमको क्या दे दूंगा, पैसा। अब उसके बाद देखो यहाँ पास क्या हुआ, किसान ऋण लेने के बाद फसल पर डिपेंड था,
फसल हुआ नहीं, अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ने से वो पैसा दे नहीं पाया और पैसा नहीं दे पाया, इसीलिए उसने क्या कर ली मुर्दो, सुसाइड कर ली। क्या कर ली? यही कारण है कि भारत में आज भी सैकड़ों किसान सुसाइड करते हैं। क्या करते हैं? सुसाइड। पता है कि नहीं पता रे मुर्दो? बरसात ही नहीं हो रहा है, कोई रास्ता ही नहीं है, साहूकार से पैसा लिए हैं, सुसाइड करने का कोई अवसर ही नहीं है। एक कोई मूवी भी आई थी शाहरुख खान की, अरे अभी भी तो बात है, जवान, क्या नाम था, जवान ही तो है क्या, जिसमें वो पूरा डबल डबल रोल निभाता है, वही है। तो ये हो गया क्या आपके हरित क्रांति के प्रभाव, और उसकी क्या है भैया आपका नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव। अब टॉपिक डालते हैं द्वितीय हरित क्रांति, खत्म करते हैं चैप्टर को।